हेलो गाइज, मैं रामनिवास प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ड्रीम वर्ल्डर्स में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर का जो पैटर्न है उसके बारे में, यानी कि आपका जो 2021 का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका क्या पैटर्न होगा, वो उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको पता होगा आरबीएससी बोर्ड ने जो अपने एग्जाम होने वाले हैं उनका जो मॉडल पेपर है वो लॉन्च कर दिया है और उसके अंदर कुछ नई स्कीम भी निकाली है। तो स्कीम क्या है वो सभी स्कीम के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बार बोर्ड ने क्या किया है, अभी तक अपने क्या होता था एग्जाम के अंदर ओनली फॉर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप का मतलब है जो हम लिखित रूप में लिखने होते थे। इस बार क्या किया है, सब्जेक्टिव टाइप तो आएंगे आएंगे, उसके साथ बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी एड कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ वो मिलेगा, उस क्वेश्चन के जो आंसर है वो नीचे आपको चार आंसर मिलेंगे, उन चार आंसर में से आपको एक आंसर चूज करना होगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इस बार आपको बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, वो भी हर सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में नहीं हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपके जो अभी तक क्या होता था एग्जाम के अंदर जो सेक्शन होते थे वो टोटल कितने होते थे, चार सेक्शन होते थे, पर इस बार नई स्कीम के तहत एग्जाम में आपके जो सेक्शन होंगे वो टोटल कितने होंगे, पांच होंगे। और एक और नई स्कीम भी लॉन्च की है, वो क्या है कि आपके जो मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चन होते थे उसके अंदर जो आपको अथवा में क्वेश्चन मिलता था वो इतने दिन आपको क्या मिलता था, एक मिलता था। यानी पीछे के जो एग्जाम होते थे उसमें जो मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन होता था, यानी सबसे ज्यादा नंबर का जो क्वेश्चन होता था उसके अंदर जो अथवा में क्वेश्चन आते थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, एक होता था। पर इस बार आपको नई स्कीम के तहत दो या दो से अधिक अथवा में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या स्कीम है, यानी कि क्या मॉडल पेपर का पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर एक होगा उसके अंदर आपको एक से लेकर दस सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर एक के अंदर आपको 10 सब क्वेश्चन, यानी इसके 10 और पार्ट होंगे। ठीक है, वो 10 एक एक नंबर के होंगे, तो टोटल कितने नंबर का हो गया, ये 10 नंबर का हो गया। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इसी में पूछे जाएंगे। ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक फर्स्ट क्वेश्चन में एक से दस तक है, इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे जाएंगे, यानी पूछे जाएंगे। यानी कि आपको नीचे चार ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, उनमें से आपको चूज करना होगा आंसर क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो से लेकर 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 11 तक है, ये भी एक एक नंबर के हैं, 2 से 11 यानी 10 क्वेश्चन हो गए, तो इनके मार्क्स भी कितने हो गए, 10 हो गए। ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल मार्क्स कर लेते हैं, टोटल मार्क्स हो गया सेक्शन ए का 20, यानी कि 20 मार्क्स, 10 इसका और 10 इसका। तो आपका सेक्शन ए है वो 20 मार्क्स आने वाला है। एक नंबर क्वेश्चन है उसमें 10 सब क्वेश्चन होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे, यानी कि 10 नंबर हो गए। 2 से 11 के जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उनमें कुछ क्वेश्चन में आपको खालिस्तान वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो होगा उसके अंदर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक। 12 से 19 यानी कि ये क्वेश्चन अपने हो गए 8। ये जो 8 क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के हैं, तो ये हो गए 8, 9, 16 मार्क्स का अपना क्या हो गया, यहाँ पे मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, 16 मार्क्स का अपना क्या हो गया, सेक्शन बी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 से लेकर 23 तक, ये क्वेश्चन हो गए 20 से 23, 3 और 1 4 क्वेश्चन हो गए। ये जो 4 क्वेश्चन अपने आने वाले हैं ये 4-4 नंबर के आने, ये 2-2 नंबर के थे और ये 4 क्वेश्चन आएंगे अपने 4-4 नंबर के। ठीक है, तो 4 चौक 16, ये भी 16 मार्क का है। पर इस सेक्शन में खास बात क्या है, इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के साथ आपको एक और क्वेश्चन अथवा में देखने को मिलेगा जो कि अभी तक आपको नहीं मिलता था। यानी कि सेक्शन सी में आते ही आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अभी तक जो आपका एग्जाम का पैटर्न था उसमें क्या होता था, जो आपका लास्ट सेक्शन होता था यानी कि सेक्शन डी होता था, उसी में आपको सिर्फ और सिर्फ अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलते थे। पर इस पैटर्न में क्या हो रहा है, आप सेक्शन सी में पहुंचे हो, अभी
सेक्शन सी में भी आपको क्या है अथवा में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कितने चर्चा नंबर के, अगर आपको पहले वाला आता है तो पहले वाला कीजिए, और पहले वाला अगर आपको हार्ड लग रहा है तो दूसरे वाला कीजिए, दोनों आते हैं और दोनों में आपको जो सिंपल लग रहा है वो कीजिए, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो, पर आपके पास ऑप्शन है वो दो होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो एक से ज्यादा होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में इस बार सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन रखे गए, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। ये जो दो क्वेश्चन है वो कितने कितने मार्क्स के होंगे, पांच पांच मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 5 × दो क्वेश्चन है तो 10 हो गया, तो इसके मार्क्स कितने हो गए, 10 मार्क्स हो गए, ठीक है। इसके बाद ये जो, हाँ इसमें भी हम बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी, आप ये करो चाहे ये करो, दोनों में से आपकी जो मर्जी वो करना चाहो, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई की। अभी तक क्या होता था, आपको सिर्फ और सिर्फ चार सेक्शन देखने को मिलते थे, यानी कि डी तक सेक्शन देखने को मिलता था, इस बार आपको सेक्शन ई भी देखने को मिल रहा है। इस सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, इस सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कितने कितने मार्क्स के होंगे, 6-6 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तीन क्वेश्चन है तो 6 × 3 = 18 नंबर हो गए, ये टोटल कितना हो गया आपका, 18 मार्क्स हो गया, टोटल पेपर हो गया। पर इस जो सेक्शन ई है इसमें खास बात क्या है, आपका जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ आपको अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कितने, ये देखो पहला क्वेश्चन आ गया, उसके साथ अथवा में आपको क्वेश्चन देखना मिले, देखने को मिलेगा, उसके साथ एक और क्वेश्चन भी आपको अथवा में देखने, यानी आपको पहला क्वेश्चन आता था वो कीजिए, वो नहीं आता तो उसके अथवा में आएगा वो कीजिए, वो भी नहीं आता तो उसके भी आपके अथवा में देखने को मिलेगा वो कीजिए, यानी कि आपके पास तीन तीन अपॉर्चुनिटी होंगी, तीन अपॉर्चुनिटी में आप जो चूज करना चाहो, यानी कि आपको जो सिंपल लगे वो क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पर आपको कोई रोक नहीं, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, तीनों में से कौन सा भी कीजिए 6 नंबर का होगा, आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात अभी। तो ये था आपका जो मॉडल पेपर है उसका पैटर्न, ये जो पैटर्न है वो मैंने मैथ्स का जो पेपर है उसके हिसाब से बताया, बाकी के पेपर अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं देखे, उनका जो पैटर्न है वो जल्दी देखकर आपको मैं उससे रूबरू करवाऊंगा, और कल की क्लास में आपको जो मैथ्स का पेपर है उसका, मैथ्स का जो मॉडल पेपर है उसका आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के रूप में भी प्रोवाइड करवा दूं, और साथ में आपको अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अभी तक आपको अगर मॉडल पेपर का जो पैटर्न है या फिर मॉडल पेपर जो है जो एग्जाम 2021 के लिए आरबीएसई बोर्ड ने लॉन्च किए वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो लिंक दी गई है उस लिंक के द्वारा ये जो मॉडल पेपर है उनको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप खुद अपने आप से एनालाइज कर सकते हैं कि जो इस बार पैटर्न है वो किस हिसाब से है, ठीक है। मैं भी ये जो मैंने पैटर्न, ये सेक्शन वाला सिस्टम जो है ये हर एक सब्जेक्ट में सेम है, बाकी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन है वो आगे पीछे थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर ये जो सेक्शन वाला पोर्शन है ये सभी में सेम है, यानी कि सेक्शन ई जो है ये सभी में जो क्वेश्चन आएंगे 26 से 28 उसमें आपको तीन तीन क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एक आप तीन में से आपको एक करना होगा, यहाँ पे आपको दो दो मिलेंगे और यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, बाकी हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, और सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे मैंने बात नहीं की है, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ जो सब्जेक्ट है उसकी बात की है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।